क्योंकि रूल 43 भी कितने पेज का है, ये साला ये भी 4 पेज का है, ये तो 4 साढ़े 4 पेज का है, ये भी पूरा जाली में, ये इससे भी खतरनाक है। तो रेडी हो तुम रूल 43 के लिए? हाँ, तो कभी भी कोई भी क्लास मिस मत करना। और ईमानदारी से, ईमानदारी से एक चीज़ और बता रहा हूँ तुम्हारे को, ठीक है ना, ठीक है ना, एक ईमानदारी से एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो तो जितने लोगों को तुम जीएसटी एक्सपर्ट समझते हो अपनी फ़ोन लिस्ट में, जितने भी प्रोफेशनल सीए एडवोकेट्स, आज 10 लोगों को फ़ोन लगाना, 5 लोगों को बताना और उनसे पूछना, भाई रूल 42 43 समझा दे यार, एक बार पूछ लेना उनसे अपनी तसल्ली के लिए, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मार्केट में रूल 42 और 43 की कितनी नॉलेज है। जबकि मैंने तो तुम्हें यहाँ पर T1, T2, T3, C2, C3, D1, D2 सारा माइनर लेवल पे एक्सप्लेन करा है, चिप लेवल बोलते हैं जिसे, ठीक है जी। आ जाओ अब ऐसे रूल 43, अब रूल 43 की जब भी कहानी होगी तो जब भी कैपिटल गुड्स होगा तभी इसकी कहानी आएगी, जब भी कैपिटल गुड्स होगा तभी इसकी कहानी आएगी, ठीक है ना। नहीं, ऑफिसर को भी नहीं पता होगा, गारंटी है भाई साहब, अगर नहीं पढ़ा होगा नहीं पता होगा। और जिस हिसाब से इसमें मेंशन है, अगर तुम वो गोल सर्कल बना के नहीं करोगे, वो गोल सर्कल बनाकर एक एक हिस्सा नहीं काटोगे, नहीं आता समझ, ठीक है ना सर। बिल्डर वाला थोड़ा सा ब्रीफ, इफ पॉसिबल नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, तुम 43 नहीं समझ पाओगे, गारंटी बता रहा हूँ। बिल्डर वाला शुरू कर दिया तो मैं तो पढ़ पढ़ कर गलत सही करके बता दूंगा तुम्हें, एक बार को नहीं समझ पाओगे, पंगे में मत पड़ो, मेरे हिसाब से चलो, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ तुम अभी गोवा की स्पेलिंग सीखो, तुम कह रहे हो चेकोस्लाविया सिखा दो, गड़बड़ हो जाएगी। अभी तुम हो CAT कैट BAT बैट, चेकोस्लाविया मत करो। GST सीखने का नियम है कि पहले पूरा GST लॉ सीखो, फिर उसके बाद इंडस्ट्री वाइज सीखना। अगर किसी ने बिना GST लॉ पूरा सीखे इंडस्ट्री वाइज पे गया, होटल इंडस्ट्री, रियल इस्टेट्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, वो गड़बड़ हो जाएगा। समझ आई मेरी बात? तो पहले यहाँ पर ये समझो, आ जाओ पहले जर्नल लो, रूल 43, ठीक है। प्रिंस तनेजा जी, क्लास के बीच में ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो जो रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। सुबह हमने क्वेरी का सेशन करा था, उसमें पूछो। अब रूल 43 कर रहे, रेडी हो ना रूल 43 के लिए? हाँ जी रेडी हो, चलो। तो यहाँ पर कहानी है कैपिटल गुड्स की। अब जब भी कहानी कैपिटल गुड्स की आएगी, जब भी कहानी कैपिटल गुड्स की आएगी तो हमेशा ये ध्यान रखना, कैपिटल गुड्स की जो लाइफ है वो 5 साल मानी गई है। GST के अंदर मैं कई बार तुम्हें बताऊंगा ये चीज़ कि कैपिटल गुड्स की कहानी 5 साल मानी गई है। तो कैपिटल गुड्स 5 साल है, तो 5 साल का जो ITC है वो ले लिया एक ही बार में जाता है, उसे 5 सालों में नहीं लिया जाता। जब हम 16-3 पढ़ रहे थे वहाँ पर भी मैंने तुम्हें यह चीज़ बताई थी, 16-3 में हमने पढ़ा भी था कि भाई अगर 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की एसेट्स है और उस पर 18,000 का ITC है तो भाई डेप्रिसिएशन 1 लाख पे लगाना है और 18,000 का क्या ले लेना है ITC। अगर 1,18 पे डेप्रिसिएशन लोगे तो 18 का ITC नहीं मिलेगा। तो अभी हमारा मुद्दा ये है कि हमने 16-3 को फॉलो करा है, 1 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 18,000 का ITC लेंगे। अब ये जो हम 18,000 का ITC ले रहे हैं, अब कैपिटल गुड्स भी ऐसा हो सकता है कि तुम उसे आधा पर्सनल यूज़ करो, आधा पर्सनल यूज़ करो और आधा क्या करो बिजनेस पर्पज, जैसे कि लेट सपोज मोबाइल, मोबाइल इज़ अ कैपिटल गुड्स, एप्पल का मोबाइल है 1.5 लाख का, बीवी से बात भी कर रहे हो, बच्चों से बात भी कर रहे हो, क्लाइंट से बात भी कर रहे हो, उसी मोबाइल से को यूज करके मैगजीन बेच रहे हो, उसी मोबाइल को यूज करके GST कोर्स बेच रहे हो, मतलब एग्जम्प्ट सप्लाई भी सेल कर रहे हो और टैक्सेबल सप्लाई भी सेल कर रहे हो। तो इस वाले केस में
तुम्हारे ऊपर रूल 43 लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 17(1) और 17(2) भी लग गया, ठीक है जी, जो कि हम ऊपर पढ़कर आए। अब इन्होंने क्या बोला कि द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स यूज और इंटेंडेड टू बी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पज और इंटेंडेड टू यूज एक्सक्लूसिव फॉर एग्जम्प्ट सप्लाई शैल बी इंडिकेटेड इन GSTR 3B एंड शैल नॉट बी क्रेडिटेड टू हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि तुम कैपिटल गुड्स जब भी कोई खरीद रहे हो उसे जब 3B फाइल कर रहे हो उसी टाइम पर आइडेंटिफाई कर लो, उसी टाइम पर आइडेंटिफाई कर लो कि ये कैपिटल गुड्स अगर तुम एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पज के लिए लोगे, भाई तुम्हें पता है, ठीक है ना, तुम्हें पता है कि तुमने एक मोबाइल लिया और वो मोबाइल तुम करवा चौथ पे अपनी पत्नी को गिफ्ट कर रहे हो और वो तुमने GST नंबर से खरीद लिया, ठीक है ना। अब वो GST नंबर से तुमने खरीद लिया, सामने वाले ने डाला GSTR 1 में, तुम्हारे 2B में आया, तुमने ITC ले लिया और तुम्हारी वाइफ ने कहा बेस्ट गिफ्ट माय हस्बैंड ऑन माय फर्स्ट करवा चौथ, GST ऑफिसर ने लाइक दबाया और तुम्हारे हस्बैंड को भेज दिया नोटिस कि भाई इसका जो ITC है तुमने इसे अपनी वाइफ को गिफ्ट किया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, तुम्हारे को 3B में ही रिवर्स करना है, ऊपर आ रहा है ITC में लेकिन नीचे रिवर्स करते हैं रूल 42-43 से, शांति की जिंदगी जिए। तो हमारे को वही करना है। या आपने कोई मशीन खरीदी, तुम्हें पता है वो एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट सप्लाई में यूज होगी, भाई लेट्स सपोज हमने क्या करा, मैगजीन को प्रिंट करने के लिए एक स्पेशल प्रिंटर खरीदा कि उससे सिर्फ मैगजीन प्रिंट होगी या हमारी किताबें प्रिंट होंगी, उससे और कुछ प्रिंट करेंगे ही नहीं। तो हमें पता लग गया कि भाई हमारी मैगजीन और किताबों के लिए है, तो आप उसे तुरंत की तुरंत 3B में रिवर्स कर दो, ठीक है ना। और अगर तुमने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा जो तुम्हें पता है एक्सक्लूसिवली यूज होगा टैक्सेबल सप्लाई में, उसका आप क्रेडिट ले जाओ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक्सक्लूसिवली कैपिटल गुड्स है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके अलावा ऐसा हो सकता है द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स नॉट कवर्ड अंडर क्लोज ए और बी, कि भाई ए और बी क्लोज में कुछ ऐसे कैपिटल गुड्स है जो कवर ही नहीं होते, डिनोटेड बाय कैपिटल ए, उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये ऐसे कैपिटल गुड्स है जो एग्जेम्प्ट में भी यूज़ हो रहे, टैक्सेबल में भी यूज़ हो रहे और नॉन बिजनेस पर्पज भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना जी। तो हम इसे किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से। बीइंग द अमाउंट ऑफ टैक्स एज रिफ्लेक्टेड ऑन द इनवॉइस शैल क्रेडिट डायरेक्टली टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। और कह रहा है कि तुम्हारे ये कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में यूज नहीं कर रहे हो तुम, लेकिन फिर भी सारा ITC इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले जाओ, फिर भी ले जाओ। मैंने कहा यार जब यूज ही नहीं हो रहे मेरे टोटल टैक्सेबल में, एक्सक्लूसिव नहीं हो रहे, सारा दे क्यों रहा है। कह रहा अभी बताऊंगा आगे। और कह रहा है इसकी यूजफुल लाइफ 5 साल मानेंगे। हमने कहा ठीक है। अब देखना कितना नुकसान होता है अगर तुम कोई कैपिटल गुड्स जो कि कैपिटल ए से डिनोट हो रहा है, कैपिटल ए से डिनोट होने का मतलब क्या है, वो कैपिटल गुड्स एग्जेम्प्ट में भी यूज़ हो रहा है, टैक्सेबल में भी, मतलब कि एक ऐसा लैपटॉप है जिससे हम अपनी मैगजीन की सेल भी करते हैं, मैगजीन की बुक बनाने में भी सेल करते हैं और नॉर्मल पेन ड्राइव में भी सेल करते हैं। तो वो कह रहा है कि अब जरा इस बात को ध्यान से समझ लेना, प्रोवाइडेड डैट, ठीक है ना, ये कह रहा क्रेडिट ले लो एक बार। मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं।
प्रोवाइडेड डेट वेयर एनी कैपिटल गुड्स अर्लियर कवर्ड अंडर क्लोज है सब्सिक्वेंटली कवर्ड अंडर दिस क्लोज. ऐसा भी हो सकता है कि पहले कोई कैपिटल गुड्स क्लोज ए में था. क्लोज ए में क्या था? एक ऐसी मशीनरी थी, एक ऐसा फ़ोन था जो वाइफ को करवा चौथ पर गिफ्ट करा था. लेकिन हुआ क्या? तुम्हें पता लगा उसने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत ही नहीं रखा. उसने तो दोपहर में गोलगप्पे खाया ही थी वो तो, ठीक है ना? वो तो सिर्फ तुम्हें कह रही थी कि करवा चौथ का व्रत रखा है कि एप्पल का फ़ोन गिफ्ट मिल जाए. ये बात जैसे ही तुम्हें पता लगी, तुमने कहा वापस दे दे एप्पल का फ़ोन. ठीक है, आपने एप्पल का फ़ोन लेके, ठीक है, अपने स्टाफ को दे दिया कि सेल्स करो इससे बस, ठीक है ना, आप इसे सेल्स में यूज करो. तो ऐसा हो सकता है कि कोई कैपिटल गुड्स पहले एग्जम्प्ट में यूज हो रहा है या पहले नॉन बिजनेस में यूज हो रहा है और बाद में किस में आ जाए? कॉमन में आ जाए. ऐसा हो सकता है, ठीक है ना? तो क्या लिखा हुआ है कि ऐसा भी कई बार हो सकता है कि कोई कैपिटल गुड्स पहले क्लोज ए में हो और सब्सिक्वेंटली किस में आ जाए? कैपिटल ए में. तो अगर ऐसा कभी हो जाता है तो आप उसका ITC भी क्रेडिट लेजर में डाल देना. ठीक है ना? अब जनरेटर का ले लेते. ये कह रहे सर जनरेटर का लो, ठीक है ना? हमने जनरेटर का जो एग्जांपल लिया था इनपुट्स में, दोबारा ले लो वो एग्जांपल कि भाई हमारे जो जनरेटर थे, ठीक है, एक हमारा हो रहा था घर पे जो यूज हो रहा था, हमने उसे डिनोट करा किससे? ए से. ठीक है, बी वाले में कौन है? जो टैक्सेबल वाली फैक्ट्री में यूज़ हो रहा था. जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए वाला कौन सा है? कैपिटल ए वाला ऐसा है जो कभी टैक्सेबल में यूज होता है और कभी एग्जम्प्ट में. इसमें ना दो ही चीज़ रखो, ठीक है, ए वाले को मान लो एग्जम्प्ट में, बी वाला हो गया टैक्सेबल में, ठीक है, और ए वाला हो गया टैक्सेबल और एग्जम्प्ट दोनों में. ठीक है, अब इसमें इन्होंने ये भी बोला है कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि एग्जम्प्ट वाला जनरेटर ए में आ जाए. हमने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है. तो कह रहा अगर ऐसा होगा तो, क्योंकि जब तुमने ए में डाला था तो तुमने ITC लिया ही नहीं था उसका ITC लिया ही नहीं था, रिवर्स कर दिया था. लेकिन अब जब तुम उसे टैक्सेबल में यूज़ कर रहे हो या टैक्सेबल और एग्जम्प्ट में यूज़ कर रहे हो तो पहले आप उसका ITC ले लो. मैंने कहा ठीक है. तो कह रहा ए शैल बी क्रेडिट टू सब्जेक्ट टू द कंडीशन डेट द इनएलिजिबल क्रेडिट एट्रिब्यूटेबल टू पीरियड ड्यूरिंग सच गुड्स वर कवर्ड इन के डिनोटेड एट TIE शैल बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 5% एवरी क्वार्टर दिस एंड एडिड टू द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी दो इन विच सच इज क्लेम्ड. इसने क्या बोला कि भाई ये वाला जनरेटर तुमने खरीदा था 20,000 का और 20,000 रुपये पे तुम्हारा ITC था 3600, तो मैंने तुम्हारे को ये वाला ITC पहले रिवर्स करा दिया था. क्यों रिवर्स करा दिया था? क्योंकि हमें लग रहा था कि तुम इसे एग्जम्प्ट में यूज करोगे. तो हमने, अब अगर ये वाला जनरेटर एक साल बाद इसमें आ जाता है तो आप क्या करो, इसमें से कैपिटल गुड्स की लाइफ है 5 साल, एक साल यूज़ करा किस में? एग्जम्प्ट में. तो भाई ऐसा करो, एक साल का ITC आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी मान लो और 4 साल का आप अपना क्रेडिट लेजर में ले लो. या मतलब ऐसा बोलो कि पूरा ITC क्रेडिट लेजर में ले लो और एक साल का जो है उसे आपकी हम लाइबिलिटी मान लेंगे. ये वाली चीज़ ये कहना चाहता है, ये वाला प्रोविज़न, अगर तुम्हें ये समझ आया है तो. ठीक है जी, ठीक है, हाँ, मतलब 80% मिलेगा लेकिन इसकी कैलकुलेशन अलग है. ये कह रहा है कि पहले 100% तुम क्या करो, 100% अपने क्रेडिट लेजर में ले लो, 100% अपने क्रेडिट लेजर में ले लो और जो जिस पीरियड को 5% पर क्वार्टर लेना और वो अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर देना. ठीक है, जितने टाइम तुमने उसे एग्जम्प्ट में यूज़ करा है. ठीक है जी, मैंने कहा ठीक है जी. फर्दर प्रोवाइडेड द TI शैल बी कंप्यूटेटेड सेपरेटली इनपुट टैक्स CGST SGST और IGST की कैलकुलेशन सेपरेटली होगी इसमें. हमने कहा ठीक है, क्लियर है जी.
अब ये 18,000 आपने नहीं करा उसे छोड़ दो। द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ए क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर क्लोज सी इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स हुज यूजफुल लाइफ रिमेनिंग ड्यूरिंग टैक्स डिनोटेड एट सी टी शैल बी कॉमन क्रेडिट। ये तुम्हें समझ नहीं आने वाला। अरे अब इन्होंने क्या बोला सर, रूल 42-43 को अगर 3 भी तुरंत रिवर्सल नहीं करते हैं बट उसका कभी यूटिलाइज और क्लेम नहीं करते हैं तो बाद में रिवर्सल करेंगे तो कोई नुकसान होगा? नहीं, मेरे हिसाब से कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना जी, मेरे हिसाब से कोई नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमारा क्लोज सी में 2 ITC आ गए, ठीक है ना, हमारे क्लोज सी में 2 ITC आ गए। एक तो वो ITC उस कैपिटल गुड्स का ITC जो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों के लिए यूज हो रहा है, और एक वो ITC जो कभी एग्जेम्प्ट था लेकिन बाद में वो टैक्सेबल बन गया, जो कभी एग्जेम्प्ट था जो बाद में वो बन गया, ठीक है ना। तो इस वाले ITC को इन्होंने डिनोट करा किससे? TC से। किससे डिनोट करा? TC। किससे डिनोट करा? TC, मतलब कि टोटल तुम्हारा कॉमन क्रेडिट इतना है। अब जब इन्होंने टोटल क्रेडिट को TC से डिनोट करा तो इन्होंने इसे डिवाइड करा 60 से। 60 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? इन्होंने 60 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, इनके पास पर मंथ का ITC आ गया, पर मंथ का ITC आ गया। जैसे मैं एग्जांपल मैं लेता हूँ कि हमारा एक कैपिटल गुड्स है जिस पर ITC है हमारा 40,000 का, जो कि हम एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों में यूज़ कर रहे हैं। एक आईटीसी ऐसा है जिस पर ITC था हमारा 25,000 का, पहले उसे एग्जेम्प्ट में यूज़ करते थे और बाद में उसे कॉमन में यूज करने लग गए, तो हमने 20,000 रुपये वहाँ से ले लिए, तो हमारा टोटल ITC हो गया 60,000 का। अब ये जो 60,000 का ITC है इन्होंने 60 से डिवाइड करा दिया, और 60 से डिवाइड करके पर मंथ का ITC आ गया हमारा 1,000 रुपये का। पर मंथ का ITC आ गया हमारा 1,000 रुपये का। जब ये 1,000 रुपये का हमारा ITC आ गया, ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड यूजफुल लाइफ ऑफ एनी कैपिटल गुड्स कंसिडर्ड 5 ईयर, ठीक है ना जी, एंड द सैड फार्मूला शैल बी एप्लीकेबल ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ। ये फार्मूला हमने उसी के बेसिस पर बनाया। द अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई टू बी डिनोटेड एट TE, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आ गया, अब इन्होंने क्या बोला कि भाई अब ये चीज़ समझो कि ये तुम्हारे पास जो ITC आया है, अब ये जो तुम्हारे पास ITC आया है, ठीक है ना, अब आप क्या करो, अब आप अपनी टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सेल निकालो, आप अपनी टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सेल निकालो, और जब आप अपनी टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सेल निकालोगे तो जितनी भी तुम्हारी एग्जेम्प्ट सेल वाला ITC है, जितनी भी तुम्हारी एग्जेम्प्ट सेल वाला ITC है, उस ITC को हर महीने रिवर्स करो, उस ITC को हर महीने रिवर्स करो। मतलब कि 1,000 रुपये हमारा पर मंथ का ITC आया है जो हमें मिलना चाहिए। अब मान लो हम गए अप्रैल में, मई में, जून में, तो हमारा जो कॉमन ITC है वो हर महीने का 1,000 रुपये निकल कर आ गया। अब यहाँ पर हमारी जो सेल है वो 1,00,000 रुपये की टैक्सेबल है, 1,00,000 रुपये की एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना जी। तो ये कह रहा है तुमने लिया 1,000 रुपये है तो 500 रुपये रिवर्स कर दो। दूसरी बार में 1,000 है, सारी की सारी टैक्सेबल सेल है, कुछ भी रिवर्सल नहीं करना, रिवर्सल जीरो है। तीसरे केस में सारी की सारी एग्जेम्प्ट सेल है अगले महीने, पूरा का पूरा 1,000 रिवर्स कर दो। और ये कहानी कब तक चलेगी, ये कहानी कब तक चलेगी? जब तक तुम्हारा वो कैपिटल गुड्स रहेगा तब तक ये कहानी चलेगी, ठीक है ना जी, तब तक ये कहानी चलेगी, ठीक है ना जी, तब तक ये कहानी चलेगी। पर मंथ का ITC निकालना है भाई साहब, पर मंथ का ITC निकालना है, और पर मंथ के ITC को इस तरीके से रिवर्स करना है, ठीक है जी।
बोलो जी, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? उसके बाद जो कहानी थी कि अगर टर्नओवर नहीं आती एग्जाम टैक्सेबल तो पिछले क्वार्टर की ले लेना, वो कहानी बिल्कुल वही है। द अमाउंट टी अलोंग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट सेल एवरी टैक्स पीरियड यूजफुल लाइफ ऑफ द बी एडिड टू द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है ना जी? तो जो हमारा ये अमाउंट निकलेगा, जो हमारा ये अमाउंट निकलेगा, कौन सा? टी ई वाला अमाउंट का मतलब क्या है कि भाई ऐसा अमाउंट जो कि हमारा एग्जम्प्ट से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर एग्जम्प्ट टर्नओवर आ गई ऊपर, और नीचे जो हो गई वो टोटल टर्नओवर आ गई, और जो हमारा कॉमन आईटीसी था पर मंथ का निकल कर आ रहा था, हमने उसे उससे इंटू कर दिया। ठीक है जी? तो ये आपको हर महीने अपनी लाइबिलिटी में ऐड करना है। ठीक है ना जी? आपको टी ई को हर महीने अपनी लाइबिलिटी में ऐड करना है। ठीक है जी? बोलो यहाँ तक क्लियर है या नहीं? फिर वही वाली कहानी आ गई कि आपने साल के लास्ट में भी कर लेना ये वाली चीज़ें। ठीक है? इंटरेस्ट दे देना। ऐसे कोई करता है? हिम्मत ही नहीं है किसी की ऐसे कोई कर ले। प्रदीप बागड़ी जी, वो समझ ले रूल को। इससे अच्छा है आईटीसी नहीं लेना चाहिए। अगर एग्जम्प्ट और टैक्सेबल है तो नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना? एग्जाम्पल कह रहे हैं, दोबारा दिखा दो। कौन सा एग्जाम्पल दिखाना है दोबारा? मैंने तो सिंपल एग्जाम्पल लिया इसमें। ठीक है? प्रमोद पांडे जी कह रहे हैं मैंने लिया हुआ है सर, लेकिन एक साल की आईटीसी जो नहीं क्लेम करी वो नेक्स्ट ईयर के 30/11 तक ले सकते हैं। हाँ, बट कैपिटल गुड्स के केस में 3 साल बाद भी आईटीसी ले सकते हैं। ये कौन कह रहा है तुम्हारे को? ऐसा कैपिटल गुड्स का जो भी फुल्ली एग्जम्प्ट की सप्लाई में यूज़ किया है एंड ऑफ टैक्सेबल में यूज़ कर रहे हैं, हाँ ऐसा कर सकते हो, क्योंकि रूल 43 ये कहता है कि अगर तुमने कोई एग्जम्प्ट में यूज़ कर रहे हो पहले, ठीक है ना, और उसका आईटीसी तुमने नहीं लिया, अब आप इसे हम क्रेडिट लेजर में डाल देंगे। ठीक है? क्या ये प्रैक्टिस में पॉसिबल है? अगर ये बड़ी कंपनियां हैं तो वहां पर ये प्रैक्टिस में पॉसिबल है, अगर छोटी कंपनियां हैं तो वहां पर ये प्रैक्टिस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? समझ आ गया? तो ये था रूल 42 और 43, इतना ही आपको समझना है। इससे ज़्यादा समझने की कोशिश करोगे, जितना अभी समझा है ये भी निकल जाएगा। अभी तुम्हारे को इतना ही समझना है, जब कभी कैलकुलेशन आ जाए तो तुम्हें फिर इस चीज़ को देखना है। रूल 43 में सिर्फ इतना समझ लो, पूरा 100% एग्जेम्प्ट में है तो आईटीसी लेना ही मत, पर्सनल पर्पज है लेना ही मत, टैक्सेबल है पूरा ले लेना, कहानी ख़त्म। टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों में है तब उसमें क्या करना है, सारा आईटीसी ले लेना है, सारा आईटीसी ले लेना है, लेकिन बाद में लोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सारा आईटीसी अगर तुमने ले लिया तो तुम्हें उसे 5 साल तक रिवर्स करना है। किस में कौन सा रिवर्स करना है? जो कि अगर तुम्हारी एग्जाम सेल जितनी भी होगी उसके रेशियो में रिवर्स करना है, मतलब टी ई के रेशियो में। तो अगर तुम्हारी एग्जाम सेल होती है तो हर महीने उसे रिवर्सल डालना है। सर अगर जीरो रेटेड है, पहले ही बता रहा हूँ, मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, जब आप ZERO जीरो रेटेड लिखोगे तो वो टैक्सेबल ही माना जाता है। ठीक है ना? मैं वो पहले ही क्लैरिफाई करके आ चुका हूँ तुम्हारे। ठीक है? सिंपल सा मैंने इसे रूल 43 को समराइज कर दिया, रूल 43 को समराइज करा है। ठीक है जी? इसके अलावा इसमें अभी कुछ मत पढ़ना, जब एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए तब एक बार उसके अंदर का चीज़ों को पढ़ सकते हो। ठीक है ना? क्लियर है? अगर रूल 42-43 क्लियर है तो अब मैं तुम्हें लेकर चलना चाहूँगा सेक्शन 18 पर, जो कि हमारे आज का टॉपिक है। अगर तुम्हें 1 मिनट का ब्रेक चाहिए तो मैं 1 मिनट का ब्रेक तुम्हें दे देता हूँ।